हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो कंसेप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन का, उसमें हम रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट करेंगे। देखो तो पहले जो हम रोटेशन करते थे, हम क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो, हम यूं लेते थे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट हमारा अगर ये होता था पी, ठीक है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू उसे ओरिजिन के अबाउट उसे क्या करते थे, रोटेट करते थे, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन खींचते थे और यहाँ से ऐसे मूव करना हो किसी एंगल पे तो ऐसे करते थे, यही चीज हुआ करती थी हमारी, आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है। बट अब बात आती है कि भाई आर्बिट्रेरी पॉइंट के हिसाब से आपको रोटेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करेंगे भैया। फंडा देखो कि भाई वो कहना क्या चाहता है कि आपके पास ये है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपके पास एक पॉइंट पड़ा है पी, ठीक है, एक्स कॉमा वे वाई, ये पी पॉइंट है। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पी वाई पी, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। वो कहता है कि आपको भाई इसके रिस्पेक्ट में इसे मूव करना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब वो क्या कहना चाहता है कि आपको ऐसे लेना है, इसको ऐसे फिक्स करो और इसको ऐसे रोटेट करो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा पर्टिकुलर किसी एंगल पे, सपोज करो, ठीक है, तो जो नई मेरी जो लाइन बनेगी बेसिकली वो ये होगी, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश, जो नए कोऑर्डिनेट होंगे मेरे, ठीक है, पी डैश, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे मेरा थीटा। अब कहता है कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, जब भी हमें आर्बिट्रेरी पॉइंट के हिसाब से चलना पड़ता है, इसके लिए मुझे 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी चीज को कर सकता हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी आपके आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है पहले ओरिजिन पे, ठीक है। अगर मैं इसको ओरिजिन पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, देखो पहली चीज, ये पॉइंट को मुझे क्या करना है, ओरिजिन पे लेके आना है, ठीक है। तो यहां से मैं गया यहां पे, ये मेरा क्या हो गया, एक्स पी वाई पी, ठीक है जी, और ये मेरा क्या बन जाएगा, सपोज करो ये पॉइंट उठ के गया यहां पे, ये पॉइंट भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये लाइन ट्रांसलेट होके यहां पे आ गई, ठीक है, ये मेरी क्या बन जाएगी, नई एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। देखा जाए तो क्या हुआ, बेसिकली ये जो पॉइंट था मेरा यहां पे आया और ये पॉइंट शिफ्ट होके यहां पे आया, समवेयर कुछ ऐसे मेरे पास फिगर बनेगी, एग्जैक्टली मैं भी देख लेता हूँ, ये ऐसे बनेगी, कुछ जो पॉइंट शिफ्ट होके मेरा कहां पे आया, वो ऐसे आया और एक ऐसे आया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया। दूसरे स्टेप में वो क्या कहता है कि आपने जब ट्रांसलेट कर लिया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को, ट्रांसलेट कर लिया ओरिजिन पे, ठीक है, 0 0 पे, देन आप इसको क्या करो, रोटेट करो जिस भी एंगल पे आपको रोटेट करना है, रोटेट एट थीटा एंगल, जो भी आपको करना है एंगल, ठीक है। अब मैं इसके बाद इसको रोटेट करूंगा, देखो ये लाइन मेरी ऐसे है, ये लाइन मेरी ऐसे थी, ठीक है, रोटेट होने के बाद एक एंगल पे वो क्या हो जाएगी, ऐसे लाऊंगा तो ये सपोज कर लो ये पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है जी, ये एक्स पी रहेगा, ये वाई पी रहेगा, ठीक है जी, ये मेरा एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, न्यू जो आएगा, ठीक है, ऐसे ही हुआ इसके अंदर भी। अब थर्ड स्टेप में वो क्या कहता है कि आपने इसको ट्रांसलेट तो कर लिया, थर्ड स्टेप में आपको इसको क्या करना है, रोटेट तो कर लिया, देन आपको ट्रांसलेट बैक करना है, ट्रांसलेट बैक एट सेम आर्बिट्रेरी पोजीशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे तो रोटेट कर दिया, अब इसको दोबारा से आपको ट्रांसलेट करना है इस लाइन को, वो कैसे होगी,
देखिए वो आएगी आपके ऐसे। इस लाइन को उठा के आपको क्या करना है, यहां पे लेके जाना, जो आपकी लाइन ये बन रही है, सपोज कर लो ये वाली लाइन, इसको उठा के आपको जो आर्बिट्रेरी पॉइंट था ये, अब आपका पॉइंट ये है जो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, जो रोटेट होने के बाद है वो समथिंग आ गया ऐसे। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि आपने इसको इस तरीके से रोटेट करा दिया, भाई पहले जो चीज आपकी यूं पड़ी थी वो 45 थीटा डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गई है ओरिजिनली। तो ये होंगे आपके एक्स डैश वाई डैश और ये होगा आपका एक्स पी वाई पी, ठीक है जी। अब इसको तीन स्टेप को हम अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखिए। पहली चीज क्या करनी है, मुझे ट्रांसलेट करना है, तो मैंने पहला टी वन ले लिया, इसके अंदर मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है 0 0 पे, बट कैसे, जो मेरा पॉइंट एक्स पी किसी कोऑर्डिनेट जो भी एक्स पी वाई पी है उसको उतना ही पीछे लेके आना होगा, ठीक है, मतलब माइनस एक्स पी और वाई पी डायरेक्शन में लेके आना होगा। तो मेरी जो ट्रांसलेट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 1 1 1 0 0 0 0 यहां पे आता है टी एक्स, इस केस में क्या होगा मेरा टी एक्स क्या होगा माइनस एक्स पी और टी वाई क्या होगा वाई पी, इसको नीचे लिख लीजिए ऐसे है, ठीक है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस एक्स पी और ये होगा मेरा माइनस वाई पी, ठीक है जी। अगला चलिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, मेरा रोटेशन होनी है थीटा एंगल पे, थीटा के लिए इक्वेशन वही रहती है सेम, थीटा के लिए इक्वेशन क्या है आपको ध्यान हो, इसमें इक्वेशन आती है कोस थीटा साइन थीटा 0 0 1, ये आता है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आ गया 0 ये आ गया 0, ये इक्वेशन आ गई मेरी किसकी, रोटेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे मैंने क्या किया था, रोटेशन ही तो की थी, ठीक है। देन थर्ड में घुसते हैं, थर्ड में क्या चीज आती है मेरे पास, मुझे क्या करना है दोबारा से इसको ट्रांसलेट करना है एक्सपी और वाई पी पोजिशन पे, ठीक है। तो यहां पे मेरी क्या चीज होगी, टी एक्स हो जाएगा एक्सपी और टी वाई हो जाएगा वाई पी, ठीक है। तो जो मेरी जो दूसरी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेट होगा वो क्या होगा, इसको उठाइए 0 1 0, ये एक्स पी ये वाई पी और ये 1, ये तीन मेरी दो मैट्रिक्स, माफ कीजिएगा, ये तीनों मेरी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके जो इसको ट्रांसलेट में जो डालना है, अभी ऐसे ही थोड़ी ना, हमको पहले मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में निकालते हैं टी वन आर टी टू, ठीक है जी। पहले ट्रांसलेट किया देन रोटेट देन अगेन ट्रांसलेट, इन तीनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो क्या होगा, वो काफी बड़ी क्वेश्चन आएगी, देख लीजिए। ट्रांसलेट में पहले क्या था, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये माइनस में एक्स पी ये वाई पी माइनस में और यहां पे था 1, ठीक है जी। दूसरे में क्या आएगा, रोटेट किया हमने कोस थीटा साइन थीटा 0 0 1 कोस थीटा माइनस में साइन थीटा 0 0, ठीक है जी। साथ में आ गया मेरा क्या टी टू, टी टू क्या था, इसी का पॉजिटिव में 1 0 0 0 1 1 0 एक्स पी वाई पी, ठीक है जी। ये पहला पार्ट था, पहले रोटेट, पहले ट्रांसलेट किया आर्बिट्री पॉइंट को 0 0 पे, देन मैंने रोटेट किया, पहले ट्रांसलेट था देन अगेन मैंने इसे ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे जो चीज आएगी मेरे पास, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा कोस थीटा साइन थीटा और यहां पे आ गया 0
ये आ गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा जीरो, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है एक्स पी डॉट कोस थीटा प्लस में वाई पी साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स पी साइन थीटा माइनस में वाई पी कोस थीटा और यहां पे वन, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए सर, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ठीक है। देन साथ में आएगा मेरा ये वन जीरो 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 वन जीरो एक्स पी वाई पी एंड वन, ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन था ये, और ये क्वेश्चन आ गई ये, ठीक है। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो एंड में इक्वेशन आएगी वो आएगी ये, देखो ध्यान से रखना इसको, कोस थीटा, ठीक है जी, नीचे आएगा माइनस में साइन थीटा, उसके नीचे आएगा एक्स पी डॉट कोस थीटा प्लस में वाई पी साइन थीटा प्लस में एक्स पी, ठीक है जी, ये इक्वेशन आएगी पहले इस एलिमेंट्स की। देन सेकंड में क्या होगा, साइन थीटा, यहां पे कोस थीटा, और देखो यहां पे एक्स पी, ये उल्टे हो जाते हैं यहां पे, एक्स पी साइन थीटा सॉरी माइनस एक्स पी साइन थीटा माइनस वाई पी कोस थीटा प्लस में वाई पी, ठीक है, और ये वन ये जीरो ये जीरो, ये आपकी आखिरी की इक्वेशन है जो बेसिकली मेरी क्या होगी, टोटल रोटेशन की इक्वेशन होगी, नए कोऑर्डिनेट जो गिवन होंगे, जो भी आपको ट्रायंगल गिवन हो रेक्टेंगल गिवन हो कुछ भी, उससे मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सिंपल सा ट्राई कर लेते ताकि थोड़ा सा जो डाउट हो कुछ भी वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस इक्वेशन को रख रहा हूं मैं, जो नोट करना कर लीजिए, आइए क्वेश्चन है आपके पास कि आपको काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करना है एक ट्रायंगल को, ठीक है। ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, ए है 2, 3, बी है मेरे पास यहां पे 5, 5, ठीक, और सी है आपके पास 4, 3, ठीक है। अबाउट पॉइंट, एक आपको आर्बिट्रेरी पॉइंट दिया हुआ है अबाउट पॉइंट 1, 1, ठीक है, आपको बस सारी की सारी चीजें इसके अंदर डालनी है, वो देखो कैसे डालेगी। इसके अंदर देखिए गिवन क्या क्या, आपको ट्रायंगल गिवन है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपके पास 1, 1, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स पी हो गया 1 और वाई पी हो गया 1, यहाँ पे इन चीजों को डालना, कुछ नहीं करना, आपके पास थीटा गिवन है 45 डिग्री और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, पहले आप इसको देख लीजिए कैसे होगा। पहले हम निकालेंगे हमारा जो था टी डॉट आर डॉट टी वन के टी टू, ये क्या निकलेगा, ये देखिए, ये आएगा आपके पास, अगर आपके पास फॉर्मूला तो ये है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। तो कोस थीटा मतलब कोस 45 कितना होगा आपके पास 1/√2, साइन थीटा मतलब 45 कितना होगा 1/√2, देन जीरो, ठीक है जी, यहां पे देखिए माइनस, ये माइनस 1/√2, ये कितना होगा 1/√2, ठीक है। अब आती है इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर देखो मैं यहां पे रखूंगा माइनस एक्स पी माइनस में 1.45 cos थीटा, ये मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/√2 प्लस में क्या है वाई पी क्या है 1, साथ में क्या है साइन थीटा हो गया 1/√2 प्लस में एक्स पी 1 वो, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास 1/√2 प्लस में 1/√2 प्लस में 1, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे
रूट टू कॉमन ले लो आप, ठीक है, ये हो गया ऊपर से 1/2 प्लस में रूट टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा, जो मेरे पास क्वेश्चन में आ रहा है वो आ रहा है सॉल्यूशन में 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, बेसिकली माइनस एक्स पी ये हो गया 1, देन 1/√2 ये प्लस में 1/√2, सॉरी ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा 1 डायरेक्टली, यहाँ गलती कर दी मैंने, डायरेक्टली 1 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू डाल लिया यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये आएगी 1, ये आएगी -√2 प्लस 1, ये 1 और ये 0, ठीक है। आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पॉइंट्स डालने हैं, आपको ए डैश बी डैश और सी डैश निकालना है ना, आप अपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए यहाँ पे, ए है 2, 3, बी है 5, 5, सी है यहाँ पे 4, 3। इसको 3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1, 1 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में क्या आएगा आपकी जो TRT2, मतलब जो मैंने क्या कहा आपको P डैश इक्वल टू P डॉट T पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसको लिखिए यहाँ पे 1/√2 1/√2 0, 0, 1, 1/√2 माइनस में 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2 1, ठीक है। जो आंसर आपका आएगा वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ -1/√2 प्लस 1 3/√2 प्लस 1, 1, ठीक है। नीचे 1/√2 प्लस 1 5/√2 प्लस 1 ये 1, और एक गलती कर गया मैं, वेट यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 8/√2 प्लस 1 ये 1, ठीक है। ये मेरी आएगी, मैं नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पे ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -1/√2 प्लस 1 और 3/√2 प्लस 1, ठीक है जी। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, ये 2, और सी डैश के क्या है, ये 2, ठीक है, ये 2। तो ये था आपका न्यूमेरिकल रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट और उससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, जो आप कर लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे तो आपको सारे के सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी बस ये इक्वेशन याद करनी टेढ़ी है, बट ठीक है, ठीक है, इसे कर लीजिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम होगा अदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।